आगे की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाने वाले के नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हर बच्चों का पोषणार खाने वाले के नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में कथित राशन घोटाले को लेकर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार प्रदेश की सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है, इस पूरे मामले पर जांच की मांग कर रहा है। बता दें कि लगातार शिवराज सरकार कथित राशन घोटाले के मामले पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में आपको बता दें कि कांग्रेस ने मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि लगातार शिवराज सरकार के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान भी राशन घोटाले के ऊपर जो है सवाल उठाए गए थे और इसको लेकर सवाल, इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया था। हालांकि विधानसभा सत्र जो कि 5 दिन चलना था वो 2.5 दिन में ही उसे अनिश्चितकाल के लिए जो है उसे स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब कांग्रेस सड़कों पर इस पूरे मुद्दे को लेकर आ गई है। कांग्रेस ने मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो पीसी शर्मा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, वो मौजूद थे और यहाँ पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही इस पूरे मामले की इंडिपेंडेंट जाँच की भी मांग जो है कांग्रेस ने उठाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के मिंटो हॉल में कांग्रेस ने धरना दिया है, साथ ही सभा को संबोधित किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ का पोषण आहार घोटाला किया है, साथ ही इस पूरे मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग भी की है। ये भी बता दें कि लगातार कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठाती दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन दिया था, राजभवन तक पैदल मार्च किया था। वहीं कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में इस पूरे मामले की शिकायत की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी कर चुकी है और इसके बाद अब कांग्रेस भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।